हेलो एवरीवन, वेलकम आपका हमारे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ चोचिट से बहुत ही प्यारी वाली। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देखें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। आज मैं बनाने जा रही हूँ इस तरह की इयरिंग, जिसके लिए मैंने ये वीडियो चादर्स पहले ही बना के रखा है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इविलाइन मोती का यूज़ किया है हमने, आप चाहें तो दूसरी मोती भी इसके अंदर डाल सकते हैं। जंप रिंग हुक धागा हमने 2 प्लाई कर लिया है। क्रोशिया हुक हमारा 1.75 mm का है। बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैजिक रिंग, मैजिक रिंग बनाने के बाद हमें इस तरह से देखिए फुट चेन लगाना है, बनाना है। 1, 2, 3, 4 चेन हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है इसके अंदर। इस तरह से दो ट्रिपल क्रोशिया, तीन ट्रिपल क्रोशिया, ये 4 चेन मिलाने के बाद हमारा 4 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। 3 चेन बनाना है, 1, 2, 3 चेन, और फिर से नेक्स्ट हमें इसी रो में 4 ट्रिपल क्रोशिया और बनानी है। इसी तरह से 1 ट्रिपल क्रोशिया, दो ट्रिपल क्रोशिया, तीन ट्रिपल क्रोशिया, चार ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से मैंने 2 बार बनाया और 2 बार और बनेगा, तो 4 ट्रिपल क्रोशिया, 3 चेन और फिर 4 ट्रिपल क्रोशिया और 3 चेन बनाते हुए इस रो को हमें कंप्लीट करना है। मैं इस रो को कंप्लीट करने के बाद आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए हमारा ये रो कंप्लीट हुआ, 4 ट्रिपल क्रोशिया, 3 चेन, 4 ट्रिपल क्रोशिया करते हुए हमें 4 टाइम हमें इसे बनाना था। 1, 2, 3, 4। अभी हमें इस मैजिक रिंग के धागे को हमें खींच लेना है इस तरह से, देखिए हमारा इस तरह से। और इसके फर्स्ट चेन में हमें इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना। देखिए सॉरी, यहाँ पे भी हमें 3 चेन बनाना है अपने एंड में भी। 1, 2, 3 चेन, 3 चेन बनाने के बाद हमें फर्स्ट चेन में से स्लिप स्टिच से जोड़ देना। देखिए इस तरह से अब हमें 1 चेन बनानी है, और ये जो 3 चेन का गैप दिया है इसके अंदर हमें बैक सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए इस तरह से 1, 2, 3, तीन सिंगल क्रोशिया, और ये जो ट्रिपल क्रोशिया हमने बनाया है उसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बैक से बनाना है। के अंदर हमें एक एक वन वन टाइम बनाना है, ये देखिए इस तरह से। और जो ये 3 चेन का जो बनाया है, 3 चेन उसके अंदर हमें 3 बैक क्रोशिया बनाना है। 1, 2, 3, इसी तरह से हमें ये रो भी कंप्लीट करना है। देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हमें एक चेन बनाना है। एक चेन बनाने के बाद धागे को हमें यहाँ पे कट कर लेना है। अपने धागे को हमने देखिए इस तरह से अच्छे से
हमें अपने जंप रिंग को इसमें अटैच करना है। आप चाहें तो इसके अंदर मोती ऐड, इसके अंदर टेजल्स लगाएं या फिर इसे इसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। टेजल्स हमने इस तरह से इसमें अटैच करना है। इसके नीचे से बीचों बीच से हम इसे हमें धागे को यहाँ पर कट कर लेना है अपना। ये हमारी ईयरिंग बनके कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।